एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक सदर अजीत सिंह ढिल्लों पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंछी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा साहिब नवा तेलुपुरा फाजिलका विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सदर अजीत सिंह जी बचपन तो ही बहुत ही नेक दिल इंसान सन। वड्डे होके आप जी ने अपनी जिंदगी विच खूब मेहनत कीती अते अपने कारोबार विच खूब उन्नति हासिल कीती। सदर अजीत सिंह जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। सरदार अजीत सिंह जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते उन्हां दे पिंड दा जां उन्हां दे इलाके दा कोई भी धार्मिक काम हुंदा तां आप जी दी भूमिका हमेशा ही अगांवधू रहिंदी सी। मौजूदा समय विच आप जी दे चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मेहनती है, मिठ बोलदा है, पढ़िया लिखिया है अते समाज विच शलाघाजोग स्थान रखदा है। आप जी दे बेटे सरदार कुलविंदर सिंह जी पिंड दे विकास लई अगांवधू भूमिका अदा कर रहे हैं।
इलाके दे विच जो इन्होंने इन्होंने पिंडां दे विच एक मील पत्थर साबित हो के एक जिहड़ी डिवेलपमेंट नूं दिशा दित्ती है, तो इस करके मैं उन्हां नूं शरदांजली देण वास्ते आया। खास तौर पर वो जो मौके से साढ़े को जिहड़े बजुर्ग साढ़े तो जा रहे ने, ये साड़ी जो इस इलाके दे हीरे ने, इन्होंने जो जीवन दे विच अपनाया, हमेशा धर्म के नाल जुड़े रहे, इलाके के हर संगत की इन्होंने सेवा की, जिन्ना को साध संगत वास्ते कर सकते सी उन्हां को हमेशा अपने जीवन दे कुछ कीता। मैं अपने वल्लों उन्हां नूं अंतम वधाई ते शरदा दे फुल भेंट करदा।
वाहेगुरु जी। हे नमाणिया के मान, काणिया के मान, ओटिया के ओट ने आसरिया के आसरे, गुरु गरीब नवाज, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सवेरे आप जी के पवित्र चरणा कमलों पास अरदास बेनती है। आप जी की गुरबाणी का प्रमाण है, पहला मरण कबूल, जीवन की शट आस हो, सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जेहा तेरे लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, चले आवे नानका, सदे उठी जाइए मां बाप अनुसार। आप जी के गुरु घर के सिख सेवक सरदार अजीत सिंह, आप जी के हुक्म अनुसार कुछ बीते दिन अकाल चलाना करके सन, पिछले सारे ही परिवार ने रल मिल के पिछड़ी हुई गुरु के भले वास्ते अपने ग्रह मिले तुरती बाणी आई, दिल सगली चिंत मिटाई ने श्री अखंड जाप आरंभ करवा के भोग पाए हैं। इस वेले आप जी के निजी अस्थाना से विछड़ी रूह के निमित्त सतगुरु जी कीर्तन होया है, आनंद साहब जी के पाठ होए हैं, कृपा करो। ग्रंथी सिंह तो बाणी पढ़ते हैं, घर के सेवादार तो सेवा करते हैं, रागी सिंह तो कीर्तन करते हैं, बेअंक प्रकार दलांगतियां हो जाती ने सतगुरु जी कल जुगी जीव हां, अनजान बच्चे समझ के माफ करना के वास्ते शुद्ध गुरबाणी पढ़न दे सुनन दी सेवा करन दी अते कृपा कीर्तन करन दी समर्थ बख्शिश करियो। इस बाणी का फल उस विछड़े हुए रूह नूं बख्शिश करियो, विछड़े रूह नूं अपने चरणां दे निवास बख्शिश करने, आवागमन दे चक्करां तों बचाउणा, पिछले परिवार नूं भाणा मन्नण दी ताकत बख्शिश करने, पिछले सारे परिवार दे सिर ते अपना मेल भरिया हाथ रखना, घर दुखा तकलीफा के नाश करने, सुखा के प्रवेश करने, शरीरक तंदुरुस्तियां बख्शिश करनिया, सतगुरु जी सेवक परिवार के वालों आप जी के वास्ते सुंदर रुमाले भेटा किए हैं, जिस तरह आप जी को रुमाल सुभरन, इसे तरह ही लोग अते परलोक दे विच गुरमुख परिवार के पड़ते टकने। सतगुरु जी विछड़ी हुई रूह के निमित्त सेवक परिवार के वालों बेअंत सेवा की गई है, जिन्हों खजानों में सेवक परिवार ने सेवा की, खजाने भरपूर करने, काल कंठ भरपूर करने, सेवा का फल विछड़ी हुई रूह बख्शिश करो। सेवक परिवार के वालों आप जी की पावन हजूरी अंदर कड़ा प्रसाद की दे सजा के हाजिर की, अनेक प्रकार भोजन भोगीए, बहुत व्यंजन मिसकाए, करी पाक हर सोच पवित्रा, गुण लावों भोग हर राय, लग्या होया भोग सीतमय देव, आप जी की संगत विच वरते जो शके आप जी का नाम जपे, कृपा करनी आप जी के दर ते आई हुई सात संगत की हाजरी दा प्रमाण करनी, संगतां दा चलिया होया कदम कदम लेके लाउणा, भेटावां दर प्रवान करनिया, खजाने भरपूर करने, करो कृपा सेवक परिवार अते आईयां संगतां नूं पवित्र हुक्मनामे बख्श के निहाल करो, हुक्मनामे ते चलण दी आप समर्थ बख्शिश करो, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चुके आवे, गुरु नानक नाम चढ़े का। ओमकार
पिछले दिन सरदार अजीत सिंह जी ढिलों इस झूठी दुनिया को अलविदा कह के कालपुले जाना जा रहे हैं। मौत एक अकाल सजाई है जो उपजा सो बिंस है, पर वो आज के काल जिनकी कीरी डाके पाटी तिना मरना भाई, सो मौत एक अकाल सजाई है। हर एक ने इस झूठी दुनिया को छड़ के कालपुले जाना जाना है। उन्होंने परिवार वाले, उन्होंने बेटे अंग्रेज सिंह जी, साहेब सिंह जी, कुलविंदर सिंह जी, ते साड़ी भैन बलजिंदर कौर, दामाद चरणजीत सिंह संधू साहब, ते माता सरन कौर है साडे, ये उन्होंने परिवार से। परिवार वाले ज्यादा दसन की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने बेटे कुलविंदर सिंह जी दो बार पिंड रत्ता खेड़ सरपंच बन चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल सर्कल प्रधान है। सो मैं ज्यादा कुछ ना कहना होया, खिमा का जाचक है वह सच्चे पातशाह रह के अगर अरदास की जोलड़ी करता है कि विचली रूह नूं आपके चरणां विच निवास बख्शना, पिछे रह के परिवार को हाड़ा मरण का बल बख्शना, हौसला बख्शना। बहुत बुलारे पहुंचे है। मैं सब तो पहला बेनती करूंगा प्रिंसीपल परमजीत सिंह जी को कि सिर्फ एक मिनट श्रद्धा के फल भेट कर देंगे जनरल सकत्र फाजिलका श्रोमणी अकाली दल वाल प्रिंसीपल परमजीत सिंह जी। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ के कीर्तन तो बाद सब संगतरियां और दरसा मुकम्मल हो जाएगा ने। फिर समाजिक रवायत के अनुसार मैनु हुक्म होया है मेरा इस परिवार नाल 51 साल का संबंध है। सरदार जीत सिंह की भैन शादी साढ़े घर हुई है। 51 साल का तजर्बा सरदार जीत सिंह के गुणा का और इस परिवार के इन्होंने लड़कियों का, इन्हों की भैन का, और जो लड़की साढ़े घर पहुंची है उसने साढ़े घर को बहुत ही चार चंद लाए और बहुत ही अगवाई दी है। मैं उस गल वालों स्पेशली धन्यवाद करता है इस परिवार का। और जो अजीत सिंह के मुंडिया उन्होंने अगवाई देना पुत्रा ने जो भी तरक्की की है मेरे सामने 51 साल पहले से झूठ उठी हुई सी कच्चे राम जब हम किसी चीज की काम नहीं कमी नहीं है, दुख की पुट की परमात्मा वालों सब कुछ दिता है। लोगों के सूप जो जीत सिंह ने बनाया, उन्होंने परिवार ने बनाया, उसका सबूत सामने बैठा घट है। श्रोमणी अकाली दल के वड्डे तो वड्डा अहुदेदार ते छोटे तो छोटा अहुदेदार ते वर्कर ने इन्हां नाल दुख की सांझ की है। और दुख वेले भी आते हैं, सुख वेले भी आते हैं, क्योंकि सरपंच परमिंदर सिंह जी पूरा साथ निभाते ने, पार्टी के बन के रहते ने, पार्टी के वफादार ने, और पार्टी इन्हां दी वफादार है। प्रधान श्रोमणी अकाली दल नाल चंगे संबंध ने और जिन्हें भी इन्हों गवाही देंगे काम करते हैं। और मेरी जो मैनू जिस तरह से खड़ा किया परिवार होने करके सारिया का आया होने संगत का जो बड़े तो बड़ा छोटे तो छोटा सारे इस दरबार के हिसाब में बड़े होंगे ने जो आ जाते हैं सारिया का इतने आने आने का इतने धनबाद और मेहरबानी करके
परमात्मा को मेरी अरदास है कि वो अपने चरणों में निवास बख्शे और पिछले परिवार को रिश्तेदारों को भाणा मनने का बल बख्शे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की। मैं बेनती करूंगा दर्शन सिंह जी मैंबर SJPG मोठा वाले कि वो आपके श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। दर्शन सिंह जी पावन पवित्र कलारी नाम शब्द श्री सतगुरु जी आई दे विच साजी सिंह जी दी अंतम दा विछावण हो आए गुरु सवारी साहब साहिब जी सारे परिवार के नाल अपना दुख साझा कर आए हैं। सियाण का कारण है दुख मना करता है, खुशी बना खुशी बढ़ती है। गुरु महाराज का प्रमाण है कले आवे नानका सदे उठ के जाए मर लगाए मंगल में आए जो जो के आए तो चर सिंह सब कुछ आए बारी आई सारे ने जाना है। और साहब जी सिंह के जान का जो साढ़े इलाके में घाटा पे जो पलाऊ खान का सू घाटा पे कलंधर सिंह के परिवार को घाटा पे ये पूरा होने वाला है। ये भी सियाण का कारण है मां जो पिया प्यो जहा हौसला कितों मिलता नहीं। भावें साहब कलंधर सिंह ने विरोधी पार्टी वालों किन्ने भी कष्ट पीते गए हैं पर थम बम फड़े हैं गुरुदास में लै गए मंका जी बैठे है पाल साहब पार्टी दास में लै गए वो खड़े है पर जोड़ा एक मर पड़िया तो पहले तो सहारा मिलता सी हौसला मिलता सी पिछे नहीं हटना ढिले नहीं पैना वो हौसला वो चला गया। आप सारे रल के इस उन्होंने थान तक पूरी नहीं कर सकते पर नाल इन्होंने रवेंगे ये रट कर काम करते हैं। इन्हें ही कहता हो समा अनुकूल नहीं मैं क्षमा मांगता तो नाल मैं ये उन्होंने सतगुर के चरणों की अरदास करता सच्चे पातशाह उन्होंने आपके चरणों में वास बख्शी परिवार को भाणा बनता बल बख्शी। वाहेगुरू जी का खालसा, बलविंदर सिंह जी सरपंच बरू धर्मवाला, डॉक्टर राज सिंह जी डिब्बीपुरा, हरभजन सिंह जी कंबोज नंबोचण कला सरपंच साहब लाबी, MC जलालाबाद पंब मेड़ी, प्रीतिंदर सिंह जी सिमेवाली यूथ आगू, महंगा सिंह जी कंबोज यूथ आगू, गुरजिंदर सिंह जी मान छिमेवाला, दलजीत सिंह जी कश्मीर सिंह जी कमलजीत सिंह जी सरपंच करनेवाली, गुरदेव सिंह जी SC चेयरमैन पंजाब, मैं इन्हों तो माफ़ी चाहना है। हम मैं बेनती करूँगा कि साढ़े बहुत ही सत्कार योग सतिंदरजीत सिंह जी मंगता OSP सबका मुख्यमंत्री पंजाब उन्होंने बेनती करा साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में प्रार्थना गुरु की प्यारी सास सनत फतेह प्रवान करना फतेह का लाभ फतेह में देना श्री वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह। अज बहुत ही दुखदई संगत आप सारिया बैठे हैं। सरदार अजीत सिंह जी अज अपने विच नहीं, अज सारे इस परिवार के नाल संबंध रखने वाले साख संबंधी सारे आप सरदार अजीत सिंह श्रद्धा के फल भेट कर इकट्ठे हुए हैं। कथा द्वारा कीर्तन द्वारा बुलाया द्वारा परिवार बारे दसाया गया है क्योंकि जेडे तुम सारे आए हो सारे परिवार के बड़े नेड़े सारे परिवार बारे पता है। मरना एक अटल सच्चाई है, इस तो कोई मुनकर नहीं हो सकता, चाहे कोई राजा चाहे गरीब चाहे कोई उम्र का तनाजा नहीं है, पता नहीं उन्हें किहड़े वेले आपकी खेती किहड़े रूप से लै जाना है। परिवार ने सेवा बजुर्गों की बहुत कीती, मैनू भी आने जाने का मौका मिलया। मैं देखो गल सच्ची कहते जे सरपंच अपना घर है रविंद्र बैठो ने किसान ने यह नहीं कहा भी घरे कहीं बैठा जाके मिलना। योजे जी प्रेरणा है बहुत चंकी है बजुर्गों को इन्हों को अपन लैनी चाहिए सिर लैनी चाहिए है। मौसम भी साथ नहीं दिता, मैं पार्टी के प्रधान साहब सतपीत सिंह बादल साहब वालों भी हाजिरी मोड़ आपके माध्यम रही परमात्मा के अरदास करना कि परमात्मा साहब जी सुना चरणा चरमास बख्शो परिवार को भाग मन की ताकत बख्शो।
पूछना इतना कहना कि मैं जांच कर वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की श्रोमणी अकाली दल कलविंदर सिंह जी को सम्मानित किया गया सरोपाए सरोपा देवे वाहगुरु नंद चढ़ती कला दे रखे वाहगुरु जी का खालसा।